वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। यहां से बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा टीम में बदलाव करेंगे या नहीं। आपको सबसे पहले हम संभावित प्लेइंग 11 दिखाते हैं कि भारत की तरफ से वो 11 खिलाड़ी कौन है जो कि भारत को विश्व चैंपियन बनाएंगे। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल शानदार शुरुआत दिला रहे हैं हर मुकाबले के अंदर, बेहतरीन प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का रहा है। विराट कोहली जिन्होंने शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा है और अर्धशतक नया रिकॉर्ड बना दिया, यानी 50 सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। शानदार फॉर्म में विराट कोहली इस वक्त चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आते हैं बहुत तेजी से रन बनाते हैं, श्रेयस अय्यर टीम में रहेंगे। केएल राहुल जिन्होंने शानदार अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, कुछ मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा है लेकिन फाइनल में सभी को उम्मीद है कि बड़ी पारी केएल राहुल के बल्ले से निकलेगी। सूर्य कुमार यादव से भी काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, अब तक उनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है लेकिन यदि आज सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी आती है तो उनसे भी सभी फैंस को, सभी प्रशंसकों को उम्मीद रहेगी कि अच्छी पारी वो खेले। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा टीम के अंदर है, शानदार फील्डिंग करते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। भारत का मजबूत स्तंभ इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजों के रूप में भी देखने को मिला है, तो रविंद्र जडेजा भी टीम में रह सकते हैं। ये पूरी संभावित प्लेइंग 11 आपके सामने है। मोहम्मद शमी बहुत शानदार गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप के अंदर की है, पहले हार्दिक पांड्या जब टीम में थे तो इनको बाहर बैठाया गया था, जब से वो चोटिल हुई है टीम के अंदर शामिल किया गया है और शानदार गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर की है। पिछले मैच यानी सेमीफाइनल के अंदर भी 7 विकेट निकाले थे, जब भारत को जरूरत होती है विकेट की तब मोहम्मद शमी भारत के लिए विकेट लेते हैं। जसप्रीत बुमराह शानदार यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं, फास्ट गेंद करते हैं, हवा में स्विंग जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में देखने को मिलती है, हवा में स्विंग होती है गेंद, इनसे उम्मीद रहेगी कि ये विकेट निकाले, विकेट टेकर गेंदबाज हैं। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी रहेगी, इनके ऊपर भी जीत का दमदार पूरी तरीके से रहेगा। कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाज हैं और मोहम्मद सिराज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का अच्छी तरीके से साथ देंगे और ये भारत की संभावित प्लेइंग 11, ये वो 11 खिलाड़ी जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की दुआ और प्रार्थनाओं का असर रहेगा। इन्हीं से उम्मीद है कि भारत यहाँ से विश्व चैंपियन बने और एक बार फिर से तीसरी बार वर्ल्ड कप भारत को दिलाए।